वाराणसी चलते हैं, जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। वहां पर आज महाअष्टमी के दिन कैसे पूजा हो रही है माँ महागौरी की, ये बताने के लिए वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, दिखाइए और बताइए जो कुछ आपके सामने है। देखिए राजेंद्र, ये दुर्गा कुंड का मंदिर है, ये आदिकालीन मंदिर है और साथ ही साथ ये काशी कुंड, और यहाँ जो सैलाब की बात आप कर रहे थे और दर्शनार्थियों की बात कर रहे थे, वो तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जो माँ के मंदिर में आए हुए दर्शनार्थी हैं। ये काशी खंड में इसलिए है कि यहाँ का महात्म ये शिव की नगरी के साथ साथ कहा जाता है कि दुर्गा की नगरी है, और ये मंदिर वाराणसी के कैंट स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इस मंदिर में माता दुर्गा के यंत्र के रूप में विराजमान है। मंदिर के निकट ही बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता काली की मूर्तियाँ अलग से यहाँ रखी गई हैं। लेकिन इस मंदिर का महात्म पुराणों में भी है और यहाँ के लोगों के दिलों में भी है, और न केवल काशी बल्कि आसपास के जिलों से और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं। और इसका महात्म इस जो भीड़ है दर्शनार्थियों की और उनकी जो आस्था है वो साथ से ही प्रकट कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अन्य इलाकों से आए हुए हैं, और ये जो भीड़ का जो देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, और ये स्थिति सड़क के लगभग 3-4 किलोमीटर के दूर से ये लाइन लगी है, और जो दर्शनार्थी यहाँ पहुँच जा रहे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये बताइए कितने लंबी यात्रा करके आई है, बहुत लंबी लाइन थी। मैं बनारस से आई हूँ। बनारस से जी, हमेशा आती है। हाँ हाँ आते हैं। दुर्गा जी का बहुत महत्व है यहाँ पे, इस मंदिर का बहुत महत्व है। जी जी, बोलेंगी कहेंगी जी, मैं उतना चाहिए लगाइए ध्यान, मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करता हूँ। मैम आई हैं आप बनारस से? कहाँ से? लंका। लंका, लंका मतलब श्रीलंका नहीं, यहाँ बनारस में एक लंका है जगह का नाम। जिस तरीके से हम कतार देख रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि उत्साह देखते ही बनता है। ABP News आपको रखे आगे।